स्वागत है आप सभी का। आज आप एक मशरूम कल्टीवेशन के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, जो सिर्फ 10 से 12 दिन में उग जाता है और कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे टेस्टीएस्ट मशरूम है। इस मशरूम का नाम है वल्वेरिया वल्वेसी। हम इसको जानते हैं पैडी स्ट्रॉ मशरूम नाम से या स्ट्रॉ मशरूम। ये एक एडिबल स्पीसीज ऑफ मशरूम है जो कि पूरे एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पूरे इंडिया में और मोर ओवर एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसको गर्मियों के दिन में ट्रॉपिकल हॉट सीजन में इसको उगाया जाता है और ये बहुत ही एक्सीलेंट है अगर आपके एरिया में गर्म है, बहुत हाई ह्यूमिडिटी है। तो ना तो सिर्फ खाने में इतना स्वादिष्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का मशरूम है न्यूट्रिशनली। इसमें काफ़ी सारे प्रोटीन है, इसमें 3.90 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम में। इसमें ऐश, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, कई प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज देता है। इसमें जो एसॉर्बिक एसिड है, जो नियासिन है, जो रिबोफ्लेविन है, हमारे को तरह तरह की बीमारियों से बचा के रखता है। इस मशरूम का इतना स्वादिष्ट और इतना लाभदायक होने की वजह से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई में बहुत कमी है। सप्लाई में कमी इसलिए है क्योंकि इसको पूरे साल भर में अभी भी हमारे देश में अदर देन बटन या ऑयस्टर ये उतनी तेज़ी से अभी भी नहीं फैला है, पर इस वक्त ये डिमांड में काफ़ी ज़्यादा है दिन ब दिन, क्योंकि जिस तरह से एक बार कोई इसका कंज्यूम कर लेता है वो बिना इस मशरूम के रह ही नहीं सकता। इस मशरूम की खासियत ही कुछ ऐसी है। इसका मार्केटिंग करना सबसे आसान इसलिए भी है कि आप एक बार सिर्फ खिला दो किसी को, अगर उसको आप गारंटी चैलेंज दे दो कि अगर आपको खा के अच्छा नहीं लगा या आप खुद हमारे पास वापस नहीं आए इसको लेने के लिए, तो हम आपको डबल पैसा वापस करेंगे। क्योंकि ये मशरूम कुछ इस तरह का कमाल का टेस्ट है, बहुत ही अलग है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इस मशरूम का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 300-400 रुपए किलोग्राम होलसेल में बिक जाते हैं। इसका उड़ीसा मार्केट में, चेन्नई में और अलग अलग साउथ इंडियन और कोस्टल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा सालों साल इसका खेती होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लगभग हमेशा हॉट रहता है। और ये जो मशरूम है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल इसलिए भी है क्योंकि ये काफ़ी कम टाइम में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में क्विकली ग्रो किया जा सकता है। अब हम सीखेंगे इसका ग्रोइंग पैरामीटर्स क्या है। ये एक्चुअली किसी भी तरह के ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल वेस्ट में उग जाता है, इसलिए जीरो वेस्ट मशरूम है। हम बहुत इजीली इसको रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर चॉइसेस है जिसमें हम ज़्यादातर ये उगाते हैं कमर्शियली, जिसमें हमें इसका बायोलॉजिकल एफिशिएंसी अच्छा मिलता है, उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पैडी स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, कॉटन गिनिंग मिल वेस्ट, जो कि हमारा कॉटन का जो वेस्ट है, जो रुई जो है बच जाती है उसके बाद उस वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बहुत अच्छा इसका उपज मिलता है। बनाना लीफ, केले के जो पत्ते हैं सूख जाते हैं, इसमें उगाया जा सकता है ये, या फिर शुगर केन बैगेज जो हमारे गन्ने हैं उसके जो छिलके हैं अवशेष है उसमें आराम से उग जाता है। इसकी खासियत ये है कि आप इसको दोनों तरह से इंडोर करिए या आउटडोर करिए, जैसे मर्जी इसको उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, पर अगर स्पेस है तो इसको आप ओपन खेत में भी उगा सकते हैं। इसकी टेम्परेचर 30-38 डिग्री सेल्सियस है और इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 80-90%, इसको आपको मेंटेन करना रहता है। स्टेप बाय स्टेप जो भी सिंपल मेथड्स मैं आपको अभी बताऊंगा, अगर आप उसका फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूं उसको इजीली आप उगा सकेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आप जो है स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपने स्ट्रॉ का एक बंडल बना लेना है। हर एक बंडल का साइज लगभग 1 किलो का बनाइए और इसका साइज आप 80-95 सेंटीमीटर लंबाई रखिए और 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखिए और इसको अच्छे से बांध दीजिए। स्टेप टू, इसमें आपको क्या करना है, जो बंडल आपने तैयार किया है इसको साफ पानी में 12 से 18 घंटे के लिए आप डुबो के रखना है। इसके लिए आप सिंपल सीमेंटेड टैंक यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी वाटर टैंक, प्लास्टिक का टैंक, या फिर ज़मीन में गड्ढा करके उसमें भी प्लास्टिक बिछा के आप अपने लिए वाटर टैंक बना सकते हैं। एक ऑप्शनल एडिशनल स्टेप है कि अगर आप चाहें तो इसमें 2% जो है सूखा भूसा, उसके हिसाब से आप उस परिमाण में आप कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम चॉक पाउडर भी कहते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं पानी में। इसलिए करा जाता है नॉर्मली क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका पीएच जो है बैलेंस रहे, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल स्टेज है जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टेप थ्री में ये होता है कि आपको क्या करना है, जो भी एक्सेस वाटर है उसको आपको वहाँ से निकाल देना है। तो अगर आपने टंकी बनाई है तो ये आपके लिए आसान होगा कि आप सीधा पानी का नल खोल दें और आपका जो भी पानी है नीचे से निकल जाएगा। अंत में आप इसको क्या कीजिए कि इसको किसी ऊंचे से जगह पर रख दीजिए या फिर इसकी जो दिशा है इसको परपेंडिकुलरली खड़ा करके रख दीजिए बंडलों को, ताकि उसका पानी जो है जल्द से जल्द झड़ जाए। कुछ ही घंटों में उसका सही मॉइस्चर आ जाएगा, फाइनल मॉइस्चर 60-65% रहना चाहिए।
इसके आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं कि आप उसको मुट्ठी में दबा के देखिए, अगर आपका जो भूसा है उसमें से अगर पानी ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं तो इसमें अभी मॉइस्चर ज़्यादा है, और अगर आपके हाथों में हल्की नमी आ रही है लेकिन किसी भी तरह का पानी नहीं उसमें से और झड़ रहा है तो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है सही है। देखिए मॉइस्चर अगर ज़्यादा रहेगा तो आपके यहाँ पे इंक कैप आ सकते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के सड़न पैदा हो सकते हैं, तो आपका मशरूम ना निकल के फिर इंक कैप या फिर कुछ और फंगी या मोल्ड लग सकते हैं, और अगर कम मॉइस्चर रहेगा तो आपका मशरूम ही नहीं निकल लेगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर या नमी की कमी की वजह से माइसिलियम आपका फैल नहीं पाएगा, तो इसलिए आपका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़रूरी है, आप इसको सही से बैलेंस कीजिए। जो स्टेप फोर है, स्टेप फोर में आपको बेड मेकिंग का काम करना है और स्पॉनिंग करना है। बेड मेकिंग का मतलब है कि आपको जो आपने तैयार किया है अपना सबस्ट्रेट, इसको बिछा लेना है। बिछाने के लिए काफ़ी सारे प्रकार के सिस्टम बनाए जा सकते हैं, मेन ये है कि आपको कोई एलिवेटेड ऊंचा स्थान बनाना है, चाहे वो आप बैम्बू से बनाइए, लकड़ी से बनाइए, स्टील के पाइप से बनाइए या फिर सिंपल ईंट से बनाइए, डिपेंड करता है आपके पास कैसा स्ट्रक्चर है। स्टैकिंग करने के लिए आपको सिंपल अपने जो बंडल्स आपने बनाए हैं भूसे के उसको एक के बाद एक सजाना है साइड बाई साइड, और उसको आप सजाने के बाद जो आपको क्या करना है अपने स्पॉन का इस्तेमाल करना है। स्पॉन जो है बोला जाए तो ये मशरूम का बीज होता है, बट एक्चुअली ये माइसिलियम है जो किसी ना किसी ग्रेन में या फिर किसी ना किसी सब्सट्रेट में इनोकुलेटेड रहता है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 5-5, 6-6 सेंटीमीटर के गैप गैप में दे देना है या फिर सर्कुलर करके इसको पूरी तरह से बिछा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें ग्राम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिंपल आप कह सकते हैं छत्तू या बेसन। बेसन का इस्तेमाल मेनली एज ए नाइट्रोजन सप्लीमेंट किया जाता है, इससे क्या होता है कि आपका माइसिलियम बहुत ही तेज़ी से फैलता है, उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो हर बार आप जब भी अपना स्पॉन का इस तरह से रैक एक अच्छे से जब भी आप अपना लेयर बनाते हैं उसके ऊपर से आपको वो बेसन दे देना, उसके बाद सिंपली परपेंडिकुलरली दूसरी दिशा से अपने भूसे को एक के ऊपर एक इसी प्रकार से आपको बनाने, इस तरह से आप 3-4 लेयर बना सकते हैं। जब आपका पूरा का लेयर बन जाए तो आपका ये जो है स्टैक कम्प्लीट। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको इस स्टेज में ख्याल रखने हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पॉन कितना इस्तेमाल करना है और बेसन कितना इस्तेमाल करना है, तो एक सिंपल फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि इससे थोड़ा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन बेसिकली ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसमें आप क्या करना है कि 600 ग्राम का स्पॉन यूज़ कीजिए आप 150 ग्राम के रेड ग्राम पाउडर के साथ, और जो बेड का साइज़ होगा वो 40 किलोग्राम होगा। ये जो 40 किलोग्राम है पानी में डुबोने से पहले के भूसे का वजन बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप इतना स्पॉन इतना बेसन का जो पाउडर है ये इस्तेमाल कीजिए, ये आपको बेस्ट उपज बेस्ट बायोलॉजिकल एफिशिएंसी देगा। और जो स्पॉन्स है वो सिंपल माइसिलियम है जो कि आपको एज ए सीड्स इस्तेमाल करने हैं। जो पैडी स्ट्रॉ के जो स्पॉन है इसकी एक बहुत खासियत चीज़ है कि इसको कभी भी आप ठंडे जगह पे नहीं रखिए, ये अलग अलग माइसिलियम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये जो है अगर आपने कभी फ्रिज में डाल दिया तो ये इसका माइसिलियम जो है मर जाता है, तो इसकी जो टेम्परेचर जो है ज़्यादा शॉक नहीं सह पाता है, तो 20 डिग्री से बिलो कभी भी इसके माइसिलियम को मत रखिए। और एक और बात, मशरूम को भी इसको फ्रिज में मत रखिए, इसकी आइस पैकेजिंग मत कीजिए, क्योंकि ये मशरूम जो है ड्राई एयर में ही बेस्ट रहता है, वरना ये एकदम पिघल सा जाता है। तो इसकी आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप इस मशरूम को ड्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मशरूम को या फिर स्पॉन को दोनों को ही कृपया करके कभी भी फ्रिज में मत रखिए। कोई और मशरूम है, चाहे बटन है, ओयस्टर है, शिटाके है, कोई भी मशरूम का स्पॉन आप रखिए फ्रिज में, पर सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रखिए कि पैडी स्ट्रॉ का मशरूम का स्पॉन कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है। सेकेंडली, इसका जो माइसिलियम है बहुत तेज़ी से फैलता है। आप देखिए मशरूम जो है निकल जाते हैं 12-14 दिन में, तो माइसिलियम भी बहुत तेज़ी से फैल जाता है, इसलिए जब भी हम आप हमसे जब मशरूम का स्पॉन ऑर्डर करते हैं तो हम फ्रेशली इनोकुलेट करके देते हैं, ताकि 6-7 दिन या 5 दिन में जब भी आप तक स्पॉन पहुंचे उसके बाद आप इसको रख के भी काम कर सकें। लेकिन पैडी स्टॉक का मशरूम का स्पॉन कृपया करके ज़्यादा दिन तक मत रखिए, आपके पास पहुंचने के बाद हमेशा 7-8 दिन के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर दीजिए, इसमें आपका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ग्राम पाउडर सिंपली इस्तेमाल करना भी एक ऑप्शनल होता है, पर कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा नाइट्रोजन सप्लीमेंट रहता है जिससे आपकी पैदावार जो है बहुत अच्छी होती है। स्टेप 5, इसमें आपको क्या करना है कि आफ्टर स्टेप 4 आप अपने जो बेड जो आपने बनाया है इसको कवर कर दीजिए। आप चाहे आउटडोर में काम करें या फिर इंडोर में, आप इसको अच्छे से प्लास्टिक से कवर कर दीजिए। आप सिंपल एक
पतले प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको आप जब कवर कर देते हैं तो उसके अंदर जो है इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहती है, आपको फिर बार बार पानी नहीं देना पड़ता है। तो 80-85% जो इसके अंदर नमी मेंटेन रहेगी और टेम्परेचर भी आसानी से 30-35 डिग्री रहेगा। अगर आपका एरिया हॉट एंड ह्यूमिड है तो प्लास्टिक से ढक देने से वो टेम्परेचर अंदर रहेगा। पेडिस्ट्रो मशरूम गर्मियों के लिए ही बना है, तो आप निश्चिंत रहिए गर्मी में इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर कभी आपका टेम्परेचर 38-40 तक भी पहुँच जाए तब भी ये मशरूम सर्वाइव कर जाता है। प्लास्टिक से कवर करने से कुछ और भी फायदे हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होते हैं, क्योंकि हम स्पॉन इस्तेमाल करते हैं, बेसन इस्तेमाल करते हैं, तो बाहर से और भी इंसेक्ट पेस्ट फ्लाइज है ना, चूहे या फिर बर्ड्स भी आ जाते हैं जो आपके वहाँ पे दानों को खा सकती है। तो इसलिए उससे भी कवर कर देने से क्या है, टाइम मिल जाता है पर्याप्त रूप से माइसीरियम को फैलने का, तो इससे भी आप उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। स्टेप 6 जो है, जब आपका 7-8 दिन हो जाएगा तक में आपका एक हल्का सा लेयर फैल जाएगा इसका, माइसिलियम अदर मशरूम्स के जैसा एकदम गाढ़ा वाइट तो नहीं हो जाएगा पूरा बैग, बट इसका क्या कहते हैं, आपको दिखेगा मकड़ी के जालों जैसा आपको दिखेगा कि अलग अलग जगहों पे पूरी तरह से इसका जो है माइसिलियम फैल गया है। इस वक्त जो है आपका कवर निकालने का टाइम है, इस वक्त 7-8 दिन हो चुके हैं, आप इसके प्लास्टिक को हटा दीजिए, चाहे तो पूरा हटा दीजिए या फिर 50% एटलीस्ट उठा दीजिए, ताकि अब उसमें सडनली थोड़ा टेम्परेचर बाहर निकल जाएगा प्लास्टिक में, क्योंकि बहुत CO2 ट्रैप रहता है। अब सडनली जब अब उसको ऐसे हटा देंगे प्लास्टिक को, तो 32 डिग्री 28 डिग्री जैसा टेम्परेचर उतर जाता है, और इस वक्त आप जो है इसकी ह्यूमिडिटी 80% जैसा मेंटेन कीजिए। अगर आपके वहाँ पे काफ़ी ड्राई वेदर है और ह्यूमिडिटी नेचुरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो आप इसको सिंपली वाटर स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से भी स्प्रे कर सकते हैं, फॉगर मिस्टीफायर या फिर बहुत सारे तरीके हैं। आप हमारे फार्म एंड स्ट्रक्चर वाले प्लेलिस्ट के वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है हम अपने फार्मों में मेंटेन करें। तो जब आप अपने फार्म में स्टेप 6 में 7-8 दिन के बाद जब ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करने लग जाते हैं, और कुछ ही दिनों में इसके जो है नेक्स्ट स्टेप जो है जिसमें पिनहेड्स का टाइम हुआ वो आ जाता है। स्टेप 7 में एंटर होते ही आप देखिएगा कि 10 से 12 दिन में आपके जो है पिनहेड जो है निकलने लगेंगे। पिनहेड जो है छोटे छोटे आपको बल्ब्स निकलने लगेंगे, आप देखेंगे कि पूरे बेड में जो है छोटे छोटे इस तरह से मशरूम के पिनहेड्स क्रॉपिंग होने लग जाएंगे। पेडिस्ट्रो के फार्म में आप यूं तो पानी स्प्रे कर सकते हैं पहले से ही, पर एक बात का ध्यान रखिए कि जब इसके पिनहेड्स निकलने लग जाए और मशरूम निकलने लग जाए, तो कृपया करके अभी मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी पर डायरेक्टली पानी स्प्रे करने से बचे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मशरूम के ऊपर स्प्रे करते हैं तो क्या होगा कि मशरूम ख़राब हो सकता है, सड़ सकता है, उसमें ब्लॉचिंग हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज़ आ सकते हैं। तो आप फ्लोर में, फर्श में या एयर में नेचुरल स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके या पाइप का इस्तेमाल करके घर में नमी मेंटेन कर सकते हैं। जो पेडिस्ट्रो मशरूम होता है ये जो है ऐसा नहीं है कि एकदम अंधेरे में होता है, इसके लिए लाइट बहुत फेवरेबल है, तो आप चाहे तो फ्लोरोसेंट बल्ब्स लगा सकते हैं, LED बल्ब्स लगा सकते हैं, या नेचुरल इनडायरेक्ट सनलाइट का प्रवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट को मत आने दीजिए अपने फार्म में, उससे क्या होगा कि गर्मी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी और जो उसमें लाइट जो है एडवर्सली इम्पैक्ट करेंगे। पर आपको इनडायरेक्टली लाइट या शेडेड लाइट रखना चाहिए अपने फार्म में, पिनहेड्स अच्छे आएंगे, मशरूम अच्छे ग्रोथ करेंगे। और एक और बात, जो पेडिस्ट्रो मशरूम है इसको बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, तो फिर आप इसको क्या कीजिए कि फ्रूटिंग स्टेज में स्पेशली अपना जो है एयर सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए, ताकि बाहर का एयर अंदर आ पाए, अंदर का बाहर जा पाए। तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन से एनफ ऑक्सीजन रहेगा, जिससे कि आपके मशरूम बहुत तेज़ी से और अच्छी तरीके से निकलने लग जाएंगे। अब जो है टाइम आता है हार्वेस्ट का, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी। जब आपका मशरूम जो है परफेक्ट साइज पे आ जाएगा, उस वक्त आप उसको सिंपली पकड़ के उसको राउंड आपको घुमाना है, और आपको बेस से वहाँ पर ट्विस्ट करके उसको निकाल देना है। काफ़ी आसान है इसकी हार्वेस्टिंग, और इसके जो मशरूम्स हैं तरह तरह पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से की जाती है। कोई इसको बड़े होने के बाद जब इसके कैप्स खुल जाते हैं उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कहीं कहीं पे इसको नॉर्मल बल्ब हालत में जब ये छोटा रहता है तभी इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो यही है मेन स्टेप 8। इसमें क्या है ना कि आपको अपने मार्केट के हिसाब से देखना है, पर मैं जहाँ तक सेल्फ मेरा प्रेफरेंस है कि हम इसको एग स्टेज, मतलब जब ये बल्ब रहता है छोटा गोल रहता है राउंड रहता है, उस वक्त हार्वेस्ट करना बेटर हमें फील होता है। क्यों? क्योंकि उससे इसकी शेल्फ लाइफ जो है अच्छी रहती है। पेडिस्ट्रो का रिलेटिवली सेल्फ लाइफ थोड़ा कम है, 1-2 दिन तक ये मशरूम एकदम ताज़ा रहता है नॉर्मल टेम्परेचर में। तो अगर आप इसका जो कैप है ये हर मशरूम के साथ है, जब वो खुल जाता है तो स्पोर बहुत निकलने लग जाते हैं, उसमें से क्या होता है कि उसकी लाइफ जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वैसे ख़त्म होने लग जाती है, इस वजह से वो मशरूम ओवर मैच्योर होकर जल्दी से सड़ने लग जाता है। लेकिन अगर आप उसको काफ़ी देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली उसको बल्ब हालत में उसको तोड़ना है। इस तरह से इस मशरूम में लगभग आप
दो फ्लशिंग इजीली ले सकते हैं, दो फ्लशिंग इसमें काफ़ी अच्छे हेल्दी आ जाएंगे। और जब आपका पूरा कंप्लीट हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 20 डेज का टोटल साइकिल में इसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसमें आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो आपका सबस्ट्रेट है वो बहुत अच्छा मैन्योर जो खाद है वो बन सकता है, इसको आप वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं और इसको आप अपने नॉर्मल गार्डन या खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिकली आपके सॉइल को काफ़ी न्यूट्रिएंटली रिच बना देते हैं। ये जो तरीका है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपका पेडिस्टो मशरूम बहुत अच्छा होगा और बहुत ही फास्ट आपको ये मशरूम मिलेगा। जो स्मॉल ग्रोअर्स हैं या फिर फर्स्ट टाइम ग्रोअर्स हैं उनके लिए ये मेथड बहुत ही आसान है और इजी टू फॉलो है, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल की फार्मिंग करते हैं या फिर बड़े तौर पे कमर्शियल स्केल पे फार्मिंग करते हैं तो इससे भी बेटर अच्छे एडवांस जो मेथड्स है पेडिस्ट्रो को कल्टीवेशन के अवेलेबल है, जिसमें बायोलॉजिकल एफिशिएंसी भी इससे भी ज़्यादा आती है, लगभग डबल आती है, जहाँ पे आपके पैदावार ज़्यादा आता है कम खर्चे पे। एडवांस मेथड में मेनली कंपोस्ट प्रिपरेशन होता है, जिस तरह से बटन में होता है इसी तरह से इसके कुछ अलग फार्मूलेज रहते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छा इसमें मैन्योर तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका मशरूम बहुत अच्छा आएगा। आप इसके लिए अगर और डिटेल चाहते हैं तो आप सिंपली लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में फ्री वेबिनार का लिंक है, उसमें आप जाके ज्वाइन कीजिए। जब हम वेबिनार कंडक्ट करेंगे तो मैं इसके डिटेल्स में जाऊंगा किस तरह से और अलग अलग मेथड से हम पेडिस्ट्रो की खेती कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसको फर्दर लेवल पे ले जाना चाहते हैं और इसमें बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इसको डीपली सीखना चाहते हैं और हमारा स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से सपोर्ट चाहते हैं आप, इसमें हमारे दिए गए वेबसाइट bmmushroom.com में फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे आप स्पेशली पेडिस्ट्रो मशरूम की ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करके उसमें एडवांस क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें हम कल्टीवेशन मेथड, पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग सारी चीज़ें सिखाते हैं। प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, जो पेडिस्ट्रो मशरूम है इसकी प्रोसेसिंग बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसको नॉर्मली फ्रेश मशरूम का ही इतना ज़्यादा डिमांड रहता है कि फार्मर्स जो है इसकी फ्रेश मशरूम सिंपल पोली बैग्स में पैक करके या फिर पेपर में लपेट के इसको सिंपली रखते हैं। इसको बंद प्लास्टिक्स में पैकिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें से जब रेस्पिरेशन होता है तो उसके वजह से इसमें पानी जम जाएगा, नमी नहीं जमना चाहिए। तो इसको इस तरह से आप हल्के किसी थैले में रख के बेच सकते हैं। इसकी मार्केटिंग लोकल फ्रेश वेजिटेबल मार्केट, मंडी, सुपर मॉल, मार्ट्स, इन सब जगह पे फ्रेश रूप से हो सकता है। इसकी आप कैनिंग कर सकते हैं जैसे कि बटन मशरूम की होती है, या फिर इसको आप ड्राई कर सकते हैं और उससे इसका शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है, ये सालों साल ठीक रहता है। इसके तरह तरह के और भी अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि अचार बनता है बहुत अच्छा, इसका मुरब्बा बनता है, इसकी चटनी बनती है, इसके सॉसेस बनते हैं। तो पेडिस्ट्रो मशरूम एज ए होल बहुत न्यूट्रिएंट है, तो इसके एक्सट्रैक्ट्स बन सकते हैं, इसके सप्लीमेंट्स बन सकते हैं, इसके पाउडर बन सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। अब अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है कि ये मशरूम कहाँ बेचे, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, bmmushroom.com में जाके मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव पेज में जाइए और यहाँ पे आपको हमारे लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलरली जो भी हमारे बायर्स हैं जिनको ये मशरूम चाहिए हम उनके डिटेल्स पोस्ट करते हैं, आप सीधा उनसे संपर्क में आके इस मशरूम को वहाँ सेल कर सकते हैं। रही बात मशरूम की, तो मशरूम काफ़ी प्रकार के हैं, ना सिर्फ पेडिस्ट्रो मशरूम, ये तो चलिए गर्मी के हैं, ऐसे भी मशरूम है जो सिर्फ ठंडी में होते हैं, काफ़ी मशरूम है जो पूरे साल होते हैं, ओयस्टर है, मिल्की है, बटन है, लाइन्स मैन है, शिटाके है, तरह तरह के मशरूम हैं। और ये मशरूम की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी कम समय पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, चाहे हम अपना फुल टाइम ना देना चाहें या फिर हम फुल टाइम देना चाहें, तो हम इसमें काफ़ी कम लेबर इंटेंसिव भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, आप चाहे अपने घर पे हैं हर जगह बैठ के इस मशरूम की खेती कर सकते हैं। हम लोग जो है कुछ ऐसे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं अभी एंटरप्रेन्योर सीरीज़ का, लिमिटेड एडिशन है, जहाँ पे सीड्स बहुत कम है, जहाँ जो हमारे फार्मर्स हमसे ट्रेनिंग लेते हैं हम इंश्योर करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहे और हम उनके जो मशरूम्स हैं उसको भी हम एज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बायबैक कर लेते हैं। तो तरह तरह के मशरूम हैं, डिटेल्स में जानने के लिए bmmushroom.com या bmmushroom.shop में विजिट कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पर अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट में लिख सकते हैं, या अभी जो हमारा वेबिनार है उसमें जब हम 1-on-1 सेशन रखेंगे तो आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी मशरूमिंग।